हाय फ्रेंड्स, वी केयर वी शेयर में आज एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रेजेंट करूंगा। और ये कन्फ्यूजन तो मुझे भी थी कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट कौन होता है और वो एक्चुअली कौन होता है, ये तो नहीं बोलना चाहिए, बट ये है कि वो क्या करते हैं। क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ साइकियाट्री में एम्स में, तो प्रोफेसर सर डॉक्टर रजत रे जी ने हमें अपने रूम में बुलाया, मेरे और मेरे फ्रेंड यतन को, और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो साइकियाट्री से। तो मैंने कहा सर मैं समझना चाहता हूँ लोगों को, एंड दिस एंड दैट। शायद कुछ हद तक साइकियाट्री मेरी, डेफिनेटली 60-70% तक तो साइकियाट्री ने मेरी बहुत मदद की, बट 30-40% के लिए मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें की। क्योंकि मेरा एक ड्रीम था 25 ईयर्स में कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ, जो यूट्यूब के थ्रू पूरा हो रहा है। उसके लिए थैंक्स टू यू ऑल पीपल, एंड मे बी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई विल बी ऑन स्टेज, बिकॉज मैं काफ़ी सारे सेमिनार्स भी अटेंड कर रहा हूँ जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के होते हैं, जो मेरे फेवरेट हैं, जैसे एंथनी रॉबिन्स हैं या ब्रेन ट्रेसी हैं या टी हार्वेकर हैं, एंड सो ऑन। बट फिलहाल मैं अपनी ड्रीम्स की नहीं, इनकी बात करूंगा। तो स्टार्ट तो मेरा इंटरेस्ट MBBS के बाद, डॉक्टर तो मैं बचपन से ही बनना चाहता था, साइकैट्रिस्ट भी मैं इसलिए बनना चाहता था क्योंकि MBBS के बाद ही आप साइकैट्री करते हैं। और काफ़ी लोग मुझसे क्लिनिक में पूछते हैं, क्योंकि हमारे क्लिनिक में साइकोलॉजिस्ट मैम भी हैं और मैं साइकैट्रिस्ट भी हूँ, तो कई लोगों को नहीं पता होता कि किसको दिखाना। और कई बार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट ने साइकोलॉजिस्ट को दिखाया और मैम बोलती हैं आपको डॉक्टर राजीव की ज़रूरत है, या मुझे दिखाते हैं तो मैं बोलता हूँ आपको कला सेन मैम की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत नहीं है। तो और पेशेंट बोलता है मैं पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता। और तो मुझे लगा कि इस पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है, न्यूरोसर्जन क्या करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें बहुत विश्वास होता है अपने डॉक्टर को, किसी को अपने न्यूरोसर्जरी के डॉक्टर पे बहुत विश्वास है तो वो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स भी उसके पास लेके चला जाता है, किसी को अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास बहुत विश्वास है तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी उसके पास लेके चला जाता है, और किसी पेशेंट को मुझ पर बहुत विश्वास है या साइकियाट्रिस्ट के बहुत विश्वास है, तो कई बार वो मिर्गी के दौरों के लिए भी, या कई बार किसी को स्ट्रोक हो गया जिसमें पैरालिसिस या अधरंग जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी मेरे पास आ जाता है जिसका मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, और वाइस वर्सा। उसी तरह साइकोलॉजिस्ट के पास भी होता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास भी कई केसेस पहुँच जाते हैं जिन जो बिना दवाई के बात नहीं बन पाएगी, चाहे वो कोई भी कुछ भी बोले, उनको दवा ही देनी पड़ेगी तभी वो ठीक होंगे। और कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें साइकोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ केसेस होंगे जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी इंटरमिक्स सा है, तो दोस्ती यारी का वो है। बट ये है कि कुछ लोगों को सिर्फ साइकोलॉजिस्ट, सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट, सिर्फ न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको कोशिश करूँगा जितना सिंप्लीफाई करके हो सके वो समझाऊँ। अब डेफिनेटली साइकेट्री मेरी ब्रांच है, तो सबसे पहले तो वही काम करूँगा जो मुझे सबसे फेवरेट लगता है। साइकेट्री का मतलब होता है, वैसे तो गूगल में कुछ और मतलब दिया है, बट क्रिस्टियन जॉन रील जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उनका मतलब था ट्रीटिंग द सोल। साइकी मतलब सोल और साइकेट्री मतलब हम उसकी मदद करते हैं उस तरह से। जैसे मान लीजिए किसी को उदासी हो गई, डिप्रेशन हो गया, तो मैंने डायग्नोज किया डिप्रेशन हुआ है आपको, और डिप्रेशन के बकायदा 8-9 क्राइटेरियाज होते हैं। उसी तरह मेनिया हो गया, स्किजोफ्रेनिया हो गया, फोबिया हो गया, OCD हो गई जिसमें बार बार हाथ धोते हैं, और उसके बाद मेनिया में बहुत बड़ा अपने आप को समझते हैं, स्किजोफ्रेनिया में डर लगता है कि कोई मुझे मार देगा। लिस्ट इज़ एंडलेस विच आई कैन पुट ऑन, बट आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दिस, क्योंकि आप बाकी वीडियोज़ में देख सकते हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 150 वीडियोज़ होने वाले हैं। तो उस वीडियो में आप बाकी डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। तो साइकियाट्री, और काफ़ी सारे लोगों की गलत फहमी होती है कि डॉक्टर साहब आप साइकियाट्रिस्ट हैं तो आप 1 घंटा देखेंगे, जबकि यूजली मेरा देखने का टाइम तो 15 मिनट के आसपास का होता है, और पुराना पेशेंट होता है तो कई बार तो 10 मिनट की बात से भी अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, कभी कभार कुछ केसेस में 20-25 मिनट की भी बात करनी पड़ती है। बट जो साइकोलॉजिस्ट का सेशन होता है वो नॉर्मली 45 मिनट्स 1 आवर का होता है, और कभी कभार अगर मराइटल या कपल काउंसलिंग करनी हो जिसमें हस्बैंड वाइफ की रस्साकशी होती है तो उसमें 1.5-2 घंटे भी लग सकते हैं, जिसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, उनके एक्सपर्ट जो हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट में क्या होता है, मैंने किसी पेशेंट को देखा और मुझे लगा कि इसको ये बीमारी है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको कौन सी दवाई दी जा सकती है जिससे इसकी मदद हो सके। क्योंकि जैसे डिप्रेशन है, अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो हो सकता है साइकोलॉजिस्ट उनकी काउंसलिंग करें, उसी से काम चल जाए और कोई ज़रूरत ना पड़े, और मॉडरेट डिप्रेशन है तो उसमें हो सकता है दोनों में से कोई भी काम आ जाए, बट अगर सॉलिड डिप्रेशन है तो फिर वो दवा के बिना ठीक नहीं होने वाला, जिसमें सुसाइडल भी है और ये भी है और वो भी है, फिर उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसमें तो कई बार इलेक्ट्रिक शॉक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो साइकियाट्रिस्ट का काम है डायग्नोसिस बनाना
और दवा देना। तो अगर कहें, और काफ़ी सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनको दवा ना मिले, तो उनके लिए साइकोलॉजिस्ट पहले बेटर है कि वो साइकोलॉजिस्ट को दिखा लें, और साइकोलॉजिस्ट भी समझते हैं कि अगर उनको ज़रूरत है दवा की तो वो अपने आप ही रेफ़र कर देंगे। तो एटलीस्ट कम से कम उनकी मन की बात सुन ली गई, ज़बरदस्ती उसको दवा नहीं दी गई। तो मेरा तो यही हमेशा मोटिव होता है कि पहले जी अगर आपको लगता है कि आपने दवा नहीं खानी है तो इट्स कम्प्लीटली ओके, आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, और आपको फ़ायदा होता है तो दवा क्यों खाएं फालतू में। हाँ, एक इशू ज़रूर होता है, वो ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जा रहे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हफ्ते में 2-3 बार अगर उन्होंने बुलाया तो आप ज़रूर जाएं, और 3-6 महीने के लिए भी आपको जाना पड़ सकता है। वो कमिटमेंट ज़रूर होनी चाहिए, उतना टाइम होना चाहिए, उतनी एनर्जी होनी चाहिए, और उतने पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे अगर प्राइवेट सेटअप में आपको जाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में तो साइकेट्रिस्ट ही कम है, साइकोलॉजिस्ट तो उनसे भी कम है, तो वो तो और भी इंपॉर्टेंट लोग हैं। और साइकोलॉजी में ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको बताया, साइकेट्री में क्या होगा, डिप्रेशन होगा, स्किजोफ्रेनिया होगा, मेनिया होगा, और कभी कभार तो मेनिया में तो काउंसलिंग हो ही नहीं सकती, लिखा होता है लगभग, तो उसमें तो दवा ही चलेगी तभी बात बनेगी। उसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें साइकेट्री की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ बात कर लेंगी तो मन की बात कर लेंगे तो भी बड़ा फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस कब हुआ, जब मैं एम्स में था तो मुझे थीसिस मिला चाइल्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, कि बच्चों में घबराहट होती है। 30 बच्चों का सैंपल था, तो क्या होता था कि मैं तो जूनियर मोस्ट डॉक्टर था, मेरे से सीनियर थे, काफ़ी लोग अच्छे थे जो मेरे से नॉलेज में, बात करने में, बच्चे को हैंडल करने में, क्योंकि मेरा केस होता था तो मैं उनको अपना फ़ोन नंबर भी दे देता था, वो मुझ पर मोबाइल से भी बात कर लेते थे, दिखा भी लेते थे। उनमें से 15-20 बच्चे तो वैसे ही ठीक हो गए बिना दवाई के ही। मैं छोटे छोटे उनको चीज़ें बोलता था कि जिसमें कॉन्फिडेंस कम है, उसको घबराहट होती है, मैं बोलता था आप ऐसा करो, रोल प्ले करो, आप ऐसा करो, आप बन जाओ बच्चा और ये बन जाए बड़ा, और आप जो है क्या कहते हैं, अंदर आओ और आप बोलो कि मम्मी मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो बच्चा बड़ा बन जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही बच्चों में इतना बदलाव आ गया कि वो मेरे थीसिस पूरे होने से पहले खुद ही ठीक हो गए, मतलब उनको कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आई वॉज सो सरप्राइज कि मैंने किया क्या है, मैं समझ तो जाऊँ कि लोग अगर मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मैंने किया क्या है। तो मैंने अपने साइकोलॉजिस्ट मैम से पूछा, जो हेड थी हमारी डिपार्टमेंट की, मंजू मेहता मैम, तो उन्होंने मुझे बेसिकली समझाया कि बेटा जब किसी की बात आप दिल से सुन लेते हो ना तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एक बड़ी कॉमन सेइंग है, व्हेन पीपल डू नॉट टॉक पर्सन गोज़ टू ए साइकोलॉजिस्ट और ए साइकेट्रिस्ट। और मैंने ये प्रैक्टिकली अपने क्लिनिक पे देखा भी है कि बहुत सारे ओल्ड कपल्स होते हैं जो काफ़ी रिच हैं, जिनके बच्चे अमेरिका चले गए या कनाडा चले गए, तो वो पब्लिकली तो बहुत बोलते हैं कि हाँ बहुत प्राउड हैं, बट एक्चुअली दिल में अकेलापन तो लगता ही है, जिसको एम्प्टीनेस सिंड्रोम बोलते हैं। तो बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या करते हैं, या उनके पास भी जा सकते हैं, कुछ की रेपो मेरे पे होती है तो मेरे पास भी आ जाते हैं, वो मेरे से आते हैं 15-20 मिनट की बात करते हैं और उनका मन हल्का हो जाता है, फिर चले जाते हैं, फिर महीने बाद आते हैं, फिर बात करते हैं, फिर हल्का हो जाता है। कई बार तो मुझे अजीब लगता था कि मैं इनसे फीस भी क्यों लेता हूँ, क्योंकि उनको दवा की ज़रूरत ही नहीं है, ये उनको ज़रूरत है कि उनकी बस कोई मन की बात सुन ले। और सच में मैं आपको बताऊं कि ना खाना पीना, ये मास्लो हायरार्की ऑफ नीड है, मैं एक बार, नहीं तो उस पर भी वीडियो बनाता हूँ। तो उसमें क्या होता है, खाना पीना इस सब की तो हर कोई ध्यान रखता है, अगर कोई बीमार है तब भी लोग ध्यान रखते हैं, अमेरिका से भी बच्चे वापस आ जाएंगे, बट अगर किसी का मन परेशान है ना तो बोलते हैं ये यार मेंटली कमज़ोर है, इसमें विल पावर नहीं है। और बहुत बार ऐसा हुआ है, योगा टीचर्स आए हैं मेरे क्लिनिक में, लाफ्टर क्लब्स के हेड्स आए हैं, ऐसे बंदे आए हैं जो पता नहीं कितने लोगों को राय देते हैं, बट जब वो खुद डिप्रेशन में जाते हैं तो ज़िंदगी में उनको नज़ारे नज़र आते हैं, और पहली बार पता लगता है कि डिप्रेशन क्या होता है और दवाइयों की क्या ज़रूरत होती है, सिर्फ राय देने से काम नहीं चलता। तो दोनों तरह के केसेस होते हैं, बट बहुत सारे केसेस होते हैं जो सिर्फ साइकोलॉजिकल, खासकर बच्चे, बच्चों में तो साइकोलॉजिस्ट ऑसम काम करते हैं, और बड़ों में भी करते हैं। जैसे कपल काउंसलिंग है, हस्बैंड वाइफ की फ़ाइट है, तो हस्बैंड वाइफ की फ़ाइट का मतलब ये थोड़ी है कोई कोई बीमार है, दोनों का ओपिनियन नहीं मैच करता, क्या कॉम्प्रोमाइजिंग ग्राउंड है, क्या इशू है, सेक्सुअल इशूज़ हैं, तो उसमें भी काउंसलिंग काफ़ी मदद करती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक पार्टनर को एक्चुअली कोई साइकेट्रिक बीमारी है, जो ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन नहीं है, या कॉमन भी है लेकिन घर वाले नहीं समझते, उनको लगता है इसका स्वभाव का हिस्सा है जबकि ऐसा नहीं होता, तो उसमें भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइकोलॉजिस्ट का मेन काम होता है काउंसिल करना, दूसरों की बातें सुनना, 1-1 घंटे तक बातें सुनना, ज़रूरत पड़े तो 2 घंटे भी बातें सुनना। और ये वो लोग होते हैं जो IQ टेस्ट करते हैं, बच्चों की एजुकेशनल असेसमेंट करते हैं, एक कुछ और टेस्ट होते हैं, रोशाक टेस्ट होते हैं, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट होते हैं, कुछ और असेसमेंट्स होती हैं, तो वो सारी जो असेसमेंट्स होती हैं वो साइकेट्रिस्ट को सिर्फ नाम ही पता होते हैं, मुझे नहीं करनी आती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, वीडियो सुनने के बाद लोग मुझे दिखाना चाहते हैं जबकि मुझे उस बारे में कुछ आता ही नहीं है। अब जैसे मैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर पे मैंने वीडियो बनाया जिसमें इंग्लिश या हिंदी में प्रॉब्लम होती है या मैथ्स में प्रॉब्लम होती है,
मुझे खुद ही स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, मेरे खुद ही स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, ये टेबल इस पे लिखने से पहले 3 बार तो मुझे स्पेलिंग चेक करने पड़ते हैं, तो मैं उन बच्चों की क्या मदद करूँगा? उनके बकायदा साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करेंगे, फिर उसके बाद वो पता लगाएंगे IQ कितनी है, फिर उसकी एजुकेशनल असेसमेंट होगी, फिर स्पेशल एजुकेटर हेल्प करेगा उसको, मैं नहीं हेल्प कर सकता। तो इसलिए ये डिपेंड ये काम है साइकोलॉजिस्ट का, असेस करना, काउंसिल करना, टेस्ट करना। साइकेट्रिस्ट का काम है दवाइयाँ देना। दवाइयाँ देने से क्या फ़ायदा होता है? अब यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 बार आना पड़ रहा है, और कई लोग होते हैं जिनको दोनों मदद कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी और साइकेट्रिस्ट भी। अब वो महीने में एक ही बार आ सकता है या 3 महीने बाद दोबारा आएगा, तो उसमें क्या है, दवा ही उसको ठीक कर देगी, तो दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड आइडिया। तो उसमें क्या है कि वो एक बार हफ्ते बाद दिखाने आया, 15 दिन बाद आया, महीने बाद आया, फिर 3 महीने बाद आया, फिर उसने दर्शन दिए 3 या 6 महीने बाद और दवाई बंद हो गई, तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड आइडिया। सो दैट इज़ साइकियाट्रिस्ट का काम। अब हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट की। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है बेसिकली जो नर्व या नर्वस सिस्टम से डील करता है। अब बेसिकली हमारा दिमाग है, ब्रेन है, ब्रेन के साथ हमारी सारी नसें जाती हैं, ब्रेन ही एक हमारा हिस्सा है जो सारे शरीर को कंट्रोल करता है किसी ना किसी तरह से। तो न्यूरोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़े गहरे वर्ड्स हैं नॉर्मल लोगों के लिए। एनाटॉमी मतलब कि बनावट कैसी है, फिजियोलॉजी मतलब कैसे हमारा दिमाग काम करता है। तो कई बार क्या होता है, लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक सबने वर्ड सुना, स्ट्रोक नहीं सुना होगा तो अधरंग सुना होगा। अधरंग में क्या होता है, सर की नस फट गई, सर में खून चल गया, उसकी वजह से आधा हिस्सा काम करना बंद हो गया, कभी लेफ्ट वाला हिस्सा बंद हो गया या राइट वाला हो गया हिस्सा बंद हो गया, तो इस केस में न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। डिमेंशिया एक पेशेंट होते हैं जिसमें अल्जाइमर डिजीज़ होता है, जो अभी डिमेंशिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी कंट्री में फिलहाल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को डिमेंशिया हो गया है, सुरजीत सिंह जो CPM के थे उनको डिमेंशिया हो गया था, रोनाल्ड रेगन थे उनको डिमेंशिया हो गया था, उस पर भी हमारा एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं डिमेंशिया क्या होता है। तो डिमेंशिया का मतलब होता है मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो कम हो गई, मानसिक क्षमताएँ कम हो गई। उसके बाद बहुत सारी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ होती हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ क्या होती हैं, जैसे डायबिटीज़ की वजह से भी कई बार होती हैं, अल्कोहल की वजह से भी होती हैं, और भी कई कॉजेज़ होते हैं। उसमें क्या होता है, नसें काम करना बंद हो जाती हैं, टांगों में महसूस होना बंद हो जाता है, चलने में दिक्कत आती है, और बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां होती हैं जिनके बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। नर्व्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और राइटर्स हैंड होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई नस काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो अगर नस काम नहीं कर रही, बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपकी वो या तो दिमाग का हिस्सा काम नहीं कर रहा, जैसे बोलते हैं ना CT स्कैन में आपके दिमाग का कुछ हिस्सा काम नहीं कर रहा, तो उसका जैसे कई बार हाँ एक और इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर होता है न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस, जिसमें दिमाग में कीड़ा होता है और उसकी वजह से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इन सब के जो एक्सपर्ट हैं वो हैं न्यूरोलॉजिस्ट, और भी कई चीज़ों के होंगे, जितनी मेरी नॉलेज है मैं उतना ही बताऊंगा आपको। तो ये लोग न्यूरोलॉजिस्ट हैं और ये पेशेंट को ट्रीट करेंगे मेडिसिन के थ्रू, ये वो सर्जरी वर्जरी नहीं करेंगे, ये पेशेंट्स को मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करेंगे। और इनको CT स्कैन और MRI की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि सही भी है। साइकेट्री में या साइकोलॉजी में CT स्कैन या MRI की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर ये डाउट होता है हमें एज ए साइकेट्रिस्ट की पेशेंट को शायद मेरी नहीं किसी न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो, या हो सकता है बच्चा नया है या माइग्रेन का ही केस है जो न्यूरोलॉजिस्ट भी ट्रीट कर सकता है, साइकेट्रिस्ट भी कर सकता है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ अलग सा एटिपिकल सा सिम्टम नज़र आ रहा है या जवान बच्चा है तो आप श्योर होना चाहते हैं, तभी ज़रूरत पड़ेगी CT या MRI की। अदरवाइज़ नॉर्मली तो माइग्रेन में CT स्कैन या MRI की ज़रूरत होती ही नहीं है अगर क्लियर कट सा केस है। तो ये काम करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोसर्जन जो है वो एक्चुअली सर्जरी करते हैं, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया, सर का फ्रैक्चर हो गया, ब्रेन ट्यूमर ऐसा है जिसमें दवाइयाँ देंगे तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, या ब्रेन ट्यूमर है तो ऑनकोलॉजिस्ट या कैंसर पे डॉक्टर भी आ जाएगा बीच में। देखिए इंसान तो एक ही है ना, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर में आपको प्लम्बर की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको बिजली वाले की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको पानी वाले की भी ज़रूरत पड़ती है, सफ़ेदी वाले की भी ज़रूरत पड़ती है, ईंटों की भी ज़रूरत पड़ती है, अब घर में तो बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को सबकी ज़रूरत हो, कुछ 2 डॉक्टर्स की ज़रूरत हो, 3 डॉक्टर्स की ज़रूरत हो, तो उस केस में तो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। अब जैसे किसी को एक्सीडेंट हुआ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में और उसके खून का धक्का जम गया उसके दिमाग में, तो न्यूरोसर्जन ने फटाफट एक होल बनाया और वो निकाल दिया और बंदा एकदम सही, तो वो मैजिक जो है वो न्यूरोसर्जन ही कर सकता है। उसके बाद कई बार ओल्ड एज में सबक्रोनाइड हेमरेज हो जाती है या कुछ और हो जाता है, किसी भी वजह से अगर ब्रेन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है तो द बेस्ट पर्सन इज़ न्यूरोसर्जन। स्पाइन सर्जन भी होते हैं जो न्यूरोसर्जरी का ही पार्ट आएगा, स्पाइन सर्जन भी होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही जो मैं आपको समझा सकता था। तो अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि आपकी कोई दिल की बात सुने, घर में कोई किसी से इशू है या दोस्तों से इशू है, या आप उस दवा लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए।
अगर साइकाट्रिस्ट के पास आना है तो आपको 1 घंटा शायद ना मिल पाए क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। डायग्नोसिस बनाने के लिए सच सच बताऊँ ना 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। बाकी जो 10-15 मिनट बात होती है वो तो घर वालों को इमोशनल सेटिस्फेक्शन देने के लिए, दवाइयाँ समझाने के लिए और ये समझाने के लिए कि आपकी बात मुझे समझ आ गई है। न्यूरोलॉजिस्ट में आपको इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है बेसिकली, जैसे किसी को अधरंग हो गया या इस तरह की प्रॉब्लम हो गई या मिर्गी के दौरे पड़ गए तो ही इज़ द राइट गाय। और अगर किसी के सर में चोट लग गई है, कोई ब्रेन ट्यूमर है या कोई एक्सीडेंट हो गया है किसी का, तो ही इज़ द राइट गाय। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आई होप मैं आपको मदद कर पाया हूँ और बाकी फैकल्टीज़ के बारे में भी कुछ कुछ समझा पाया हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।